नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अंक भविष्यफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले बात करते हैं लकी नंबर 1 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 1। 1 नंबर वालों के लिए आज का दिन अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने का है और ईगो किसी भी काम में नहीं दिखाना है, यानी अपने आप को विनम्र बना करके हर काम करना है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो जो लोग जॉब करते हैं, बॉस के साथ आज अनबन हो सकती है और आपकी टेंशन बढ़ सकती है। जो लोग बिजनेस करते हैं तो किसी कस्टमर से उलझ सकते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। उपाय क्या करें जिससे दिन अच्छा बीते? आज भगवान शिव के मंदिर में जा कर के जल लीजिएगा। जल में थोड़ा सा गंगा जल और 2 चम्मच दूध मिलाइएगा और शिव जी को अर्पित करिएगा। और किसी गरीब को लाल रंग का फल दान करिएगा, जैसे सेब है, अनार है, तो आपके लिए शुभ रहेगा। बारी आ गई लकी नंबर 2 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ, उनके लिए मूलांक बनता है 2। 2 नंबर वालों के लिए आज का दिन शुभ है, आपको कार्यों में सफलता दिलाने वाला है और धन लाभ के योग बन रहे हैं। पैसा आपको कहीं से मिल सकता है, इसलिए पूरी मेहनत से काम करिएगा। सब कुछ अच्छा हो इसके लिए 21 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। बात करते हैं लकी नंबर 3 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ, उनका मूलांक बनता है 3। 3 नंबर वालों के लिए आज का दिन मान सम्मान बढ़ाने वाला है, कार्यों में सफलता दिलाने वाला है। बस आप अपनी तरफ से नेगेटिव विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, पॉजिटिव होकर के काम करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उपाय क्या करें? आज हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाएंगे तो बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई लकी नंबर 4 की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 4। 4 नंबर वालों के लिए आज का दिन शुभ है, कार्यों के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, धन लाभ होगा। आप अपने घर परिवार वालों के साथ थोड़ा सा और वक्त बिताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें? आज हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी के सामने एक घी का दीपक अवश्य जलाएं तो बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं लकी नंबर 5 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 5। 5 नंबर वालों के लिए आज का दिन आपके पराक्रम के अच्छे रिजल्ट देने वाला है, तो जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, इसलिए इस शुभ दिन का लाभ उठा लीजिए, अपने मेहनत को और बढ़ाइए ताकि आपको धन लाभ हो सके। उपाय क्या करें जिससे सब कुछ शुभ हो? आज हनुमान मंदिर में जाइए और वहाँ बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए और हनुमान जी को लाल रंग की मिठाई या लाल रंग के फल का भोग लगाइए, बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई 6 नंबर वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 6। 6 नंबर वालों के लिए आज अपने मान सम्मान को लेकर के अलर्ट रहने का दिन है और अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने का दिन है। अपने बजट को ध्यान में रखिएगा, नहीं धन संबंधी परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करें कि आज दुर्गा चालीसा पढ़ के अपने काम पर जाएं तो बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं लकी नंबर 7 की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 7। 7 नंबर वालों के लिए आज अपने परिवार को महत्व देने का समय है। परिवार वाले आपसे जो अपेक्षा रखते हैं उन्हें पूरे करने की कोशिश करिए, उनकी बात को सुनिए और हाँ, अपनी तरफ से पॉजिटिव होकर के काम करेंगे तो घर में सुख शांति और बढ़ेगी और फिर आप अच्छे तरीके से अपने काम भी कर पाएंगे। उपाय क्या करें जिससे सब कुछ शुभ हो? भगवान गणेश का पूजन करिए और गणेश जी की आरती करके घर से निकलेंगे, बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं लकी नंबर 8 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 8। 8 नंबर वालों के लिए आज सलाह ये है कि अपने मन में किसी भी तरह के चिड़चिड़ेपन को बढ़ने ना दें, यानी
मन को शांत रखिए, टेंशन ना बढ़ने दे, बिल्कुल धैर्य से काम करने का दिन है। और अगर कोई आपको उकसाए भी, गुस्सा भी दिलाए तो शांत रहिएगा, आप अपने काम पर ध्यान देंगे, अच्छे रिजल्ट शाम तक आपको मिलेंगे। उपाय क्या करें, हनुमान चालीसा पढ़ के घर से निकलें, हनुमान जी की कृपा से सब कुछ शुभ होगा। बारी आ गई 9 नंबर वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 9। 9 नंबर वालों के लिए आज का दिन धन लाभ कराने वाला है, मित्रों के सहयोग से आपके काम बनेंगे। और हाँ, यदि पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी आज का दिन अनुकूल है, आपको लाभ हो सकता है। उपाय क्या करें, आज हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग के फल या लाल रंग की मिठाई का भोग लगाएं और कम से कम 9 लोगों को प्रसाद बांटें तो बहुत शुभ रहेगा। तो अंक भविष्य फल में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। बोलिए जय श्री कृष्ण।